हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है जो छात्रों ने सोची भी नहीं होगी, किसी भी बीएड डीएलएड छात्र ने नहीं सोची होगी। क्योंकि आए दिन जो हम लोग न्यूज़पेपर में देखते थे, कभी आता था कि 50,000 वैकेंसियाँ रिक्त हैं, कभी आता था 70,000 वैकेंसियाँ रिक्त हैं, कभी कभी कहा जाता था 90,000 वैकेंसी आएंगी। लेकिन एक अजीब जो है स्टेटमेंट कह लें, एक अजीब रिपोर्ट हम लोग कह लें, एक पता नहीं क्या ये रिपोर्ट है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेसिकली तो आप लोगों को जो है परेशान नहीं होना है, ठीक है, इसको बस खाली आपको पढ़ लेना है। कुछ बच्चे कहेंगे मैं ऐसी न्यूज़ दे रहा हूँ, बेटा मैं ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। आज आपको अमर उजाला के लखनऊ संस्करण में और प्रयागराज संस्करण में आज ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरा काम है यार न्यूज़ को आप तक डिलीवर करना, समझ में आई बात। जो भी मॉर्निंग अपडेट में, जो भी न्यूज़पेपर में होती है, वो सारी न्यूज़ आपको दी जाती है। तो इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए, फिर इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप बिल्कुल सही और सटीक न्यूज़ जान सकें। तो पहले हम न्यूज़ को पढ़ेंगे, फिर इसमें हम पॉजिटिव चीजें देखेंगे। इसमें लिखा है यूपी में 80,000 शिक्षक सरप्लस, क्या है इसमें देखते हैं। यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 79,568 सहायक अध्यापक ज्यादा हैं। सरप्लस मतलब ज्यादा है, यानी जितने लोगों की जरूरत हो उससे भी 79,568 लोग ज्यादा हैं। लिखा यह दावा किया है केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। उसने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार को सहायक अध्यापकों के पदों को सुव्यवस्थित करने और सभी स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूलों में अभी 3,79,000 अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं 1,40,000 से अधिक शिक्षा मित्र भी सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह स्कूलों में कुल 5,19,000 शिक्षा और शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35:1 है। परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,76,00,000 विद्यार्थी नामांकित हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या का पंजीकृत विद्यार्थी की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,000, यानी कि जो यहाँ पर अगर हम बात करें आपको, जो शिक्षा मंत्रालय है दिल्ली में, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जो है यहाँ पर यूपी के शिक्षकों पर यह दावा किया है कि 79,568 जो है पद यहाँ पर खाली तो छोड़ो, और एक्स्ट्रा लोग हैं, और ये सरकार से कहा कि आप इनको व्यवस्थित करिए। अब यहाँ पर और भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या एक न्यूज और निकली, यहाँ पर एक निकल के आ रही, इधर तो भर्ती की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में, चलिए यहाँ पर थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा, मैं दूसरे न्यूज पर पहुँच जाता हूँ, एक सेकेंड मैं दूसरे न्यूज पर आ जाता हूँ। ये वही न्यूज है, यहाँ पर भी सेम वही न्यूज है, ये आपको लखनऊ संस्करण में दिखेगी, ये है दोनों जगह, लखनऊ में भी आपको न्यूज दिखेगी, अमर उजाला के और प्रयागराज में भी दिखेगी। तो ये दोनों अलग अलग न्यूज पेपर के हैं। इधर लिखा है कि इधर भर्ती की तैयारी है, प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए राजस्व परिषद की एक कमेटी गठित की है। कमेटी जिलावार रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती के लिए रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट का कर रहे अध्ययन, शिक्षकों की नई नियुक्तियों और नामांकन के बाद बदली स्थिति में रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं अनामिका सिंह, सचिव बेसिक शिक्षा, जो इन्होंने बताया है कि रिपोर्ट का जो है अध्ययन किया जा रहा है, कि जो रिपोर्ट वहां से भेजी गई दिल्ली से, अब उसके बारे में यहां पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। फिर यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर एक और भी चीज दिखाई दे रही है, यहां पर मैं यहां से पढ़ने जा रहा हूं, पूरा इसको आप ध्यान से देखिएगा। केंद्र का मानना है सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या और पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या के हिसाब से प्रदेश में 79,568 सहायक अध्यापक जो हैं अधिक हैं। हालांकि विभाग में सृजित पदों की संख्या के हिसाब से, यानी कि विभाग में जो पद सृजित हैं, यानी ये कहा गया कि कितने पद होने चाहिए, उस हिसाब से 1,26,000 पद जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं। ये बातें शायद आपको समझ में ना आई हूँ कि ये मतलब क्या है, यानी कि जितना पद रखने चाहिए इस कॉलेज स्कूल में, उस हिसाब से 1,26,000 पद खाली हैं। लेकिन अगर शिक्षक और छात्र अनुपात पर अगर आप आओगे कि जितने छात्र होंगे 30:1, यानी 30 लड़कों पर एक अध्यापक, इस हिसाब से यूपी में 79,568 जो हैं ज़्यादा शिक्षक काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक अजीब सी खबर निकल के आई है, क्योंकि आए दिनों हम लोग अजीब अजीब न्यूज़ देखते थे कि 70,000 50,000, और आज जो है अचानक से रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट बिल्कुल ही सही है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। अनामिका सिंह जो सचिव बेसिक शिक्षा विभाग की हैं, वो इस रिपोर्ट का जो है जायजा भी कर रही हैं, और अब वो देख रही हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही है। यूपी की रिपोर्ट दिल्ली से गई, दिल्ली से देखा जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, जो भी अपडेट आएगी ठीक ही आएगी। अब यहां पर एक अपडेट और निकल के आई है, माध्यमिक शिक्षा विभाग में
लिखा है माध्यमिक शिक्षा में 70% पद जो हैं खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 10,903 पद स्वीकृत हैं, 3665 कार्यरत हैं और 7238 पद जो हैं खाली हैं। सहायक अध्यापकों के 9417 पद सृजित हैं, इनमें से 2622 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और 6795 पद खाली हैं। वहीं प्रधानाचार्य के 1486 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 443 खाली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें ज़्यादातर खाली हैं, यहाँ पर 7238 खाली है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6795 खाली है, यानी बहुत से पद जो हैं इसमें खाली हैं। और आप ये देख सकते हो ये अपडेट थोड़ी सी परेशान करने वाली है, बुरी खबर कह सकते हैं जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं। हालांकि आपको परेशान नहीं होना है, वैकेंसी तो आनी आनी निश्चित है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 51,112 पदों का हलफनामा जो लगाया था इन्होंने सरकार ने जो कोर्ट में, वो तो 100% होनी है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। रिपोर्ट चाहे जैसी भी आए, जो भी हो, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिपोर्ट आई थी वो बताना मेरा काम था, जो अपडेट है वो आपको मैं सही तरीके से दूंगा जो आएगी। ऐसा नहीं कि अपडेट एक तरफ आ रही कि 79,568 शिक्षक अधिक हैं और मैं वीडियो बनाता फिर रहा हूं कि नहीं 70,000 पद खाली हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जितने भी पद रखने चाहिए पद सृजन के लिए 1,26,000 पद अभी भी खाली हैं, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में भी ये बताया गया है। जो दिल्ली से जो रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया कि 1,26,000 पद इसमें खाली हैं। वहीं पर जाते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट की तरफ। चले गए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और ऐसे में आप चाहिए हम लोगों को दमदार तैयारी, तो आप सभी लोग चक्षु प्रकाशन की सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक आप ले सकते हो, जो कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर फर्स्ट के लिए, जिसमें आपको बाल विकास शिक्षा साथ हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, गणित और ईवीएस का आपको 3,000 से ज्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा, जो कि पूरा पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी के साथ है और एनसीईआरटी पुस्तकों पर आधारित ही आपको पूरा जो नवीन सिलेबस आया है उस पर ही आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस बुक में सब कुछ जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया, क्या क्या सिलेबस है यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाता है। तो चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप जो है ले सकते हैं, आपको ये जो है मार्केट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां भी मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है वहां पर भी आप फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हो। चक्षु प्रकाशन की ये आपकी 7 बुक्स और आती हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये 7 बुक चाहिए सब्जेक्ट वाइज, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन बुक्स को भी आप ले सकते हो। अगली अपडेट जो है पीजीटी को लेकर के है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी यानी प्रवक्ता भर्ती के लिए साक्षात्कार 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें 12 विषयों की लिखित परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को शामिल करना होगा। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और तर्कशास्त्र, संगीत वादन का साक्षात्कार जो 5 से 14 अक्टूबर और संस्कृत एवं रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों का इंटरव्यू 16 से 20 अक्टूबर तक होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पीजीटी के जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके भी जल्दी रिजल्ट जारी होंगे और जल्दी उनके इंटरव्यू की डेट भी आएगी। और टीजीटी के जो हैं बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनके रिजल्ट को लेकर के, तो उनको ये बता दें कि आपका भी इंतजार बस जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जो है सारी प्रक्रियाएँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग देना है और आज जो है 4 अक्टूबर हो ही गया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ 26 और 27 दिन जो है बच के आ रहे हैं सामने। वहीं पर हम बात करते हैं परिणाम, परीक्षा और परिणाम जारी होने की तारीखें, वही हम एसएससी की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने की सक्रियता बढ़ गई है। अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए रुकी भर्तियां निश्चित करने की साथ परिणाम जारी करने की संभावित तारीख तय कर दी गई है। इसके तहत वर्ष 2021 के अंत तक महत्वपूर्ण परीक्षा कराने के साथ परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। एसएससी 31 अक्टूबर को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 का अंतिम परिणाम व कांस्टेबल दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का परिणाम जारी करेगा। वहीं 30 नवंबर को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 टीयर 1 व जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 2 का परिणाम जारी होगा। इसी प्रकार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2020 टीयर 1 का परिणाम 31 दिसंबर तक जारी होगा। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, हर एक चीज़ एसएससी ने जारी किया है। वहीं एमटीएस की परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 5 अक्टूबर से कल परीक्षा जो है स्टार्ट होगी और इसके बारे में भी सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉलम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2020 पेपर 1 की परीक्षा 5 से 10 अक्टूबर तक कराएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी 2019 के भर्ती अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 21 व 22 अक्टूबर को लिया जाएगा। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 का स्किल टेस्ट 3 नवंबर को लिया जाएगा। वहीं 8 नवंबर को सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीपीएफ 2020 पेपर 2 का आयोजन होगा। इसके बाद 11 से 15 नवंबर तक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा चलेगी। कांस्टेबल जीडी जो है कांस्टेबल जीडी और सीएपीएफएस
NIASSF और राइफल मैन असम राइफल परीक्षा 2021 का आयोजन 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी अपडेट दे दी गई है। वहीं पर मैं बात करूँ यूपी टेट को लेकर के, तो आज जो है 4 अक्टूबर है और आज ही जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको ये देखने को मिलेगा कि यूपी टेट के नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव किए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, सब कुछ जो है आज आपको दिखेगा। सिलेबस में क्या चेंजेज हो रहा है, निगेटिव मार्किंग तो फिलहाल होगी नहीं, मैंने पहले ही बताया, ना ही ऑनलाइन परीक्षा होगी, बाकी और भी देखने को मिलेगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अब की बार का जो यूपी टेट होगा ये खास होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इस बार जो बच्चे यूपी टेट पास होंगे वो आजीवन के लिए वैलिड हो जाएंगे, यानी कि जो लोग पहले से टेट पास हैं वो तो आजीवन ऑलरेडी वैलिड है, लेकिन जो लोग अब की बार पहली बार देने जा रहे हैं ना उनकी एक अजीब अब की जो है बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट होगा कि मैं एक बार यूपी टेट दूंगा और हमेशा के लिए मैं वैलिड रहूंगा यूपी टेट के माध्यम से। तो ये सारी न्यूज थी आज की। अगर न्यूज आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।